केंद्र सरकार ने आखिरकार 4 साल बाद CAA को लागू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तेलंगाना की एक रैली में कहा कि मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि CAA को लेकर आएंगे और कांग्रेस इसका विरोध करती रही। गृह मंत्री ने कहा कि BJP ने अपने घोषणा पत्र के पहले पन्ने के हर वादे को पूरा कर दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करना हो। 2019 में हम मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, संकल्प पत्र घोषित कर रहे थे, उस वक्त पत्रकार पूछते थे पहला पेज तो ऐसा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं भी निरुत्तर था। पहले पेज में क्या था, क्या था हमारे संकल्प पत्र के पहले पेज में था अयोध्या में भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। दूसरा वादा क्या था, कश्मीर से हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।